nucleic acids, DNA are the two nucleic acids, DNA deoxyribose nucleic acid, ribose nucleic acid. DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रहता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस तीनों का कॉम्बिनेशन होता है. अगर सिर्फ पेंटोज एंड नाइट्रोजन बेस रहेगा, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, तो उसको पॉलीन्यूक्लियोसाइड बोला जाता है. अगर फॉस्फेटाइड हो जाएगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स ये है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट पेंटोज एंड नाइट्रोजन बेस, ये कंटिन्यूसली लॉन्ग स्ट्रैंड में अटैच रहते हैं, इसीलिए उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है. डीएनए का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, ये दो स्ट्रैंड है, एक एक दूसरा, इसका हेड ये साइड में रहेगा, इसका हेड ये साइड में रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब ये इस तरह से इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये एक टर्न और एक दूसरा जिसको माइनर ग्रुप कहा जाता है. तो एक यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं एंड द डिस्टेंस इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और इसके बीच का डिस्टेंस ये जो रहेगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट इस तरह से रहता है. ठीक है, ये ग्रुप है माइनर ग्रुप और ये रहेगा ये मेजर ग्रुप, तो इस तरह से दो ग्रुप्स रहते हैं. इसको हेलिकल अरेंजमेंट कहा जाता है, डबल हेलिक्स बोलते हैं इसको, डबल हेलिक्स. नाइट्रोजन बेस, ये जो बॉन्ड रहता है ना यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस. तो ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे को ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं. नाइट्रोजन बेस कौन से रहते हैं, तो एक प्यूरिन्स एंड एक पिरिमिडिन दो टाइप के रहते हैं. प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन आता है, तो उसी तरह से पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिन तीन आते हैं. डीएनए में एडेनिन का थायमिन के साथ बॉन्ड रहता है इस तरह से डबल बॉन्ड, और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ रहता है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहता है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और रेशो क्या रहेगा 1:1. तो इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड का रेशो, नाइट्रोजन बेस का अटैचमेंट जो रहेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और रेशो ऑफ प्यूरिन टू पिरिमिडिन दैट इज 1:1. ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट वैटसन एंड क्रिक ये दोनों ने स्टडी किया है, इसीलिए इसको वैटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, जो 1953 में स्टडी किया था वैटसन क्रिक मॉडल. तो ये हुआ डीएनए के बारे में. अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है. आरएनए में ये इस तरह से एक दूसरे को कनेक्शन नहीं रहेगा क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है. आरएनए के तीन टाइप्स रहेंगे, एम आर एंड टी, एम आर एन ए, आर आर एन ए एंड टी आर एन ए. एम आर एन ए ये मैसेंजर आरएनए रहता है, ये राइबोसोमल आरएनए और ये रहता है ट्रांसपोर्ट आरएनए. मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम क्या रहता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में एम आर एन ए स्टैंड के ऊपर कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स रहते हैं. कोडॉन्स का तीन तीन में, जैसे ए टी जी, ये इस तरह से तीन है. तो mRNA स्टैंड इस तरह से लंबा रहता है, तो ये इस तरह से कोड हुआ, वापस तीन आएंगे, इस तरह से कोड्स रहते हैं, कोड्स. तो इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन. ये स्टैंड mRNA का रहता है. rRNA राइबोसोमल RNA जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है. प्रोटीन सिंथेसिस मतलब अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का एक लॉन्ग चेन बनता है जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, तो ये आरएनए उसमें काम करता है. टीआरएनए भी वही हेल्पफुल रहता है. टीआरएनए एक इस तरह से एक आरएनए रहता है जो हेयर क्लिप मॉडल बोलते हैं, ये इस तरह से. तो ये यहाँ पे तीन कोड्स रहते हैं, ये तीन कोड आके यहाँ पर मैच किए जाते हैं और फिर ये एम्प्टी होके निकल जाता है, ये है ट्रांसपोर्ट आरएनए. तो इस तरह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करा देता है. ठीक है, तो ये हुआ आरएनए के बारे में. आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर जिसमें
ए टी जो डीएनए में है वो सेम रहता है, लेकिन जी सी यहाँ पर सॉरी थायमिन को यूरासिल से रिप्लेस किया जाता है यू से, जी और सी सेम रहेगा, तो इसका सिंगल स्टैंड में ए यू एंड जी सी रहता है आरएनए के स्ट्रक्चर में। तो डीएनए में ए टी जी सी और इसमें ए यू एंड जी सी, इस तरह से आरएनए देखो। ठीक है, तो ये होता है डीएनए एंड आरएनए के बारे में। इसके बाद विटामिन्स के बारे में मैं बता देता हूँ। विटामिन्स के बारे में विटामिन्स दो टाइप के रहते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो विटामिन्स के बारे में विटामिन्स कितने रहते हैं, ए बी सी डी ई के एंड पी, ये इतने विटामिन्स रहते हैं, जिसमें बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल रहेंगे और बाकी के सारे जो रहते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स रहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अगेन डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स विटामिन्स के चार टाइप्स होते हैं। एक होता है विटामिन्स विद एलिफेटिक सीरीज, मतलब इसमें लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड रहता है जो आता है विटामिन सी में। उसी तरह से दूसरा रहता है जो एरोमेटिक सीरीज में लॉन्ग चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं, और ये एग्जांपल इसके अंदर आता है विटामिन के का। तीसरा टाइप आता है विटामिन्स जिसके अंदर एलिसाइक्लिक सीरीज रहता है, मतलब एलिसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रक्चर में, और इसका एग्जांपल है विटामिन ए। और उसी तरह से एक हेटेरोसाइक्लिक सीरीज रहती है, हेटेरोसाइक्लिक सीरीज जिसमें रिंग्स जिसमें हेटेरो एटम्स रहते हैं, और एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये मेन एग्जांपल है, जिसके अंदर आता है विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी ट्वेल्व, और इस तरह से विटामिन बी के आएंगे। विटामिन ए, अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ बोल सकते हैं, स्किन का ड्राइनेस, हेयर का ड्राइनेस, ये विटामिन ए का अगर लैक होगा। तो विटामिन बी वन की अगर बात करेंगे, विटामिन बी वन अगर ये कम रहेगा लैक रहेगा तो इससे बेरी बेरी डिसीज होता है। अगर विटामिन बी टू जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, राइबोफ्लेविन अगर इसका लैक रहेगा तो जैसे टंग का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लिप्स का ड्राइंग, या फिर माउथ के जो कॉर्नर्स में क्रैक्स जाते हैं वो होता है। विटामिन बी फाइव को अगर बात करेंगे तो इसका नाम रहता है निकोटिनामाइड भी इसको बोला जाता है। अगर ये कम होगा तो पिगमेंटेशन स्किन में आएंगे, या फिर मेंटल कंफ्यूजन होती है, कभी कभी डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, ये भी डिसीज इसके अंदर हो सकता है। विटामिन बी सिक्स जो होता है मिक्सचर ऑफ पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्स अमाइन, अगर इसका लैक रहेगा तो इसमें मेंटल चेंजेस होती है, या फिर एंजाइम्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कन्वर्शंस आ सकते हैं। B12, ये सारे विटामिन बी की बात कर रहा हूँ। B12 में स्पाइनल कॉर्ड का डिग्रेडेशन होता है, अगर B12 कम रहेगा तो एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बी के बारे में हुआ। इसके बाद आएगा विटामिन सी। अगर विटामिन सी जिसका सोर्सेस कौन सा है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, लेमन है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल जैसे कैबेज हो सकता है, सिट्रस फ्रूट सारे आएंगे इसके अंदर, टमाटोज है, ओनियन भी आ सकता है, और इसमें डेफिशिएंसी रहेगा तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी डिसीज होता है, लाइक ब्लीडिंग, स्पॉन्जी, स्वोलन गम्स भी होते हैं इसके अंदर, इसके हो सकता है। विटामिन ई
जो राइस में मिल सकता है, या फिर सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, या फिर कॉटन सीड ऑयल है, ये इसके सोर्सेस रहते हैं। और इसके अगर डिसीजेस की बात करेंगे तो मसल्स में वीकनेस आता है, या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज़ की। विटामिन के जो हर एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है, जैसे स्पिनच आएगा, या फिर कॉलीफ्लावर में भी हो सकता है, फिश है, मीट है। और इसमें अगर ये मतलब लैक रहेगा विटामिन के, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। विटामिन पी, ये भी ऑरेंज में मिलेगा, ग्रेप्स में भी मिलता है। और अगर डिसीज अगर देखेंगे इसके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पी से होने वाली, तो हैमरेज होता है, या फिर कैपिलरी का जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है। तो ये इस तरह से विटामिन पी के भी डिसीज रहते हैं। बी के सोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा, तो मेनली अगर देखेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग योक है, या फिर लीवर है, राइस है, या फिर मेज अगर बोल सकते हैं, एग है, कर्ड है, तो ये इसके विटामिन बी के सोर्सेस रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है विटामिन बी के बारे में। और टोटल विटामिन्स का याद रखने के लिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके सोर्सेस पूछ सकते हैं, सोर्सेस या फिर इससे होने वाले डिसीजेस। ठीक है, तो इतना याद रखना।